हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एस्पा का और एक सॉन्ग, हम प्रीवियस एस्पा का सॉन्ग हमको पसंद नहीं आया था। और आई डोंट नो तुम लोग का जो, मतलब आई नो तुम लोग का एस्पा फेवरेट है या ये है, हमको पता चलता है कि जैसे हम जब बोले थे थोड़ा ज़्यादा एज अ रूड कैटेगरी का साउंड किए थे, जब हम वो एस्पा का सॉन्ग का एंड में जो हम कमेंट किए थे कि हमको पसंद नहीं आया, कुछ ज़्यादा ही बोल दिए थे उसको रिपीटेडली। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि हाँ, हम अभी अपना वीडियो खुद से देखे जाके तो काइंड ऑफ थोड़ा हार्श लगा, बट हमको वो हार्श था, बट हमको उस सॉन्ग के हिसाब से वो वर्ड्स एकदम सही लगा कि हमको नहीं लगता एकदम, मेरे को वो सॉन्ग इरिटेट कर दिया था वो समय, तो इसलिए चलता है। तो हम उस सॉन्ग को हम ब्लेम कर रहे थे, ना कि आर्टिस्ट को। भले देखो, सबका मानना ये है कि एस्पा का अच्छा वोकल है, ये है वो है, उसके बारे में नहीं है। तुम सबसे अच्छा वर्ल्ड के, तुम क्यों ना सम सबसे अच्छा वर्ल्ड के, जैसे एग्जांपल ले लो, तुम कोई गेम है, सबसे अच्छा सॉकर प्लेयर वर्ल्ड के क्यों ना हो, तुम जब फील्ड पे उतरोगे तब परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तब तुम कौन सा अच्छा सॉकर प्लेयर हुए? तो वही बात हो गया। एस्पा का मेन सॉन्ग है कि लाइव परफॉर्म ना करना, सॉन्ग अच्छा देना। सॉन्ग अच्छा होगा तब उसका लाइव परफॉर्मेंस सब देखने जाएगा। ऐसा नहीं कि फैन फैन बेस है तो बार बार कुछ भी चिपकाते रहेगा वो लोग। तो यही बात है कि हम एस्पा का फिर से रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको पता है वो लोग का टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरा सिंगर है तो हम खराब वराब बोल दिए, वो लोग का अच्छा सा टैलेंट है। वो लोग वोकलिस्ट, सबको सब अच्छे वोकलिस्ट है और टैल, मतलब हर एक चीज़ है। बस वो सॉन्ग का टाइप मेरे को एकदम पसंद नहीं आया था, जिस कैटेगरी का वो सॉन्ग में जो अरेंजमेंट था वो मेरे को पसंद नहीं आया था। तो वही बोलना था मेरे को कि डिफरेंस है कि हम क्रिटिसाइज किस चीज़ को कर रहे हैं और एज अ तुम लोग को फैन समझना चाहिए। तो लेट्स गो एस्पा का माई लाइफ। ज़्यादा छोटा नहीं है क्या ये सॉन्ग? इतना छोटा क्यों है? 1 मिनट 59 सेकेंड, 2 मिनट का भी सॉन्ग नहीं है। आ 2 मिनट का भी सॉन्ग में बिगिनिंग में कुछ चल रहा है। लेडी भाई 1 मिनट 15, इसका फुल वर्जन भी सुनना पड़ेगा आई थिंक। एक्शन। मत बोलना इतना छोटा सॉन्ग है। क्या हुआ, पीछे कुछ चल रहा है क्या? ये ओके ओके ओके, ये ओपेरा का प्रॉब्लम है, कुछ ज्यादा टास्क खोल लेते हैं ना तो ये होता है। Yeah.
ग्रेट सॉन्ग, पर बहुत छोटा था, हमको और सुनना है इसका, एस्पा का ये माय लाइफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स है, ये 3 वीक्स अगो, 1 मंथ अगो। ओके, हम गलत वीडियो देख लिया आई थिंक, ये है ओरिजिनल वीडियो। ओके एक्चुअल एमवी का रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है, जो शुरू में जो लोग डिसअपॉइंटिंग थे कमेंट में जाकर लेके रहते, ये नहीं है, समझ गए सॉरी माय फॉल्ट। ये रिसेंटली बोलेंगे, एक सॉन्ग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था रिसेंटली, हम तुमको रिकमेंड कर देंगे वो सॉन्ग, थोड़ी वीडियो के एंड में दिखा देंगे कौन सा सॉन्ग का बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सॉन्ग का 100% ये याद दिला रहा है। ऐसा नहीं कि सेम कैटेगरी का है, पर हमको वो वाला फीलिंग दे रहा है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग में से एक है, अभी भी वो फीलिंग है, अच्छा सॉन्ग है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि एस्पा को हम रिएक्ट, अगर हमको इतना ही बुरा लगता है तो हम और रिएक्ट नहीं करते एस्पा पे, पर डिफरेंस है कि हमको सॉन्ग पसंद आ रहा है कि नहीं, वही बात हो गई। ये QR कोड किस लिए है, स्कैन करके देखते हैं ना, क्यूरियोसिटी। ये
एमवी मेकिंग में लेके जा रहा है ये। ओके तो ये वाला अगर तुम ये करोगे, स्कैन करोगे, तो तुम लोग एमवी मेकिंग में पहुंचो, एमवी मेकिंग का वीडियो में लेके जाएगा यूट्यूब पे सेल्फ प्रमोशन, और तुम लोग को हम शो करते हैं, ठीक ना। हम जो सॉन्ग का बात कर रहे थे विविडली भाई, आई टू आई। हमको कॉपीराइट आ सकता है इसके लिए बहुत ज्यादा वाला, क्योंकि के पॉप ग्रुप का ज्यादा नहीं आता, पर इसमें यार तुम लोग ये तुम लोग आर्टिस्ट को नहीं जानते हो, तो जाके हम तो रिकमेंड करेंगे जाके सुनो। ये हमको ये सॉन्ग का याद दिलाता है। मोर स्लो है उसमें, ज्यादा वो वाला में ज्यादा पॉपी साउंड है, इसमें ज्यादा मतलब साइड वाला साउंड, मतलब एक रिलैक्सिंग साउंड है ये, वो थोड़ा अपबीट सॉन्ग है, तो दोनों मेरे लिए एकदम परफेक्ट सॉन्ग है, हमको दोनों पसंद आया। मतलब यही बोलना चाहते हैं कि ओ माय गॉड कभी कभी एक्सप्लेनेशन ढंग से निकलता नहीं। तो एक तरफ ले लो कि एस्पा का वो सॉन्ग है जिसके लिए एस्पा फेमस है, काइंड ऑफ ब्लैक मांबा, वो सब हो गया, वो सब है ठीक है। फिर मेरे को एक देखो, हम टियर लिस्ट बनाते हैं एस्पा का सॉन्ग का, जितना हम सुने सबसे ऊपर रखते हैं ये रिसेंट जो सॉन्ग सुने, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर मेरे लिए होगा माय लाइफ, लिव माय लाइफ, ओके ओ ठीक है। उसके बाद ब्लैक मांबा, फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे, फिर उनको बॉटम में रखना है जो लास्ट रिएक्ट किए थे, वन ऑफ द वही वर्स्ट सॉन्ग, हम के पॉप का वर्स्ट सॉन्ग कब बोलेंगे मेरे हिसाब से वो था, क्योंकि फुल्ली वीडियो को छोड़ के कुछ अच्छा नहीं था उस सॉन्ग के बारे में, जैसा उसको किया गया था वो सिर्फ कूल लगने के लिए बना गया था। हमको लगता है सॉन्ग अच्छा था, पर मोस्टली ऐसा एलिमेंट था कि हाँ भाई ये लोग का वोकल्स है, एक बार ये शो ऑफ करना है, एक बार ये शो ऑफ करना है, इसका ये शो ऑफ करना है, तो ये सब पार्ट रखेंगे, उसके बाद ये करके रखेंगे, तो ये लोग का मेंटेलिटी, मेंटल है नहीं बोलने नहीं जाएंगे, ये लोग का माइंड कैसे काम करता है भाई, वो लोग का प्रोडक्शन हाउस में। क्योंकि देखो अगर के पॉप ग्रुप एक सॉन्ग निकाल रहा है, तो वो लोग का जो ग्रुप का मेंबर्स है, वो लोग अकेले का मेहनत नहीं है, वो लोग सब, वो लोग के पीछे पूरा प्रोडक्शन टीम है, समझ रहे हो, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो वो म्यूजिक में हर एक चीज कंट्रोल कर रहा है, तो तुम वो खराब सॉन्ग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वही बात हो गया, तुम अगर तुम लो क्वालिटी सॉन्ग तुम एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट से मिलता है तो इट्स ओके, पर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से तुमको एक लो क्वालिटी सॉन्ग मिल रहा है, तो वही जो लोग काम कर रहे हो वो लोग का कान खराब हो गया, या तो तुम्हारा टाइप का नहीं सॉन्ग होगा या तो खराब सॉन्ग होगा। हमको वो एकदम टाइप का तो छोड़ो खराब लगा था, तो एस्पा का मेरा यही है कि एक अच्छा सॉन्ग निकला, एक खराब सॉन्ग में निकला। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सुपरनोवा अच्छा सॉन्ग था ठीक ना, पर मेरे टाइप का नहीं था, वही डिफरेंस हो गया ना, कि सुपरनोवा बहुत जन को पसंद आया था, पर जेन्युइनली लगता है हम जितना भी रिएक्टर को देखे उस सिमिलर उस सेम सॉन्ग पे रिएक्ट करते हुए, सब वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, सब ये लोग सब कितना बीट कितना कूल है, ओ माय बीट आ गया, बीट थम गया, ऐसे बच्चा जैसा बिहेव कर रहा था। आई थिंक वही तुम लोग हम प्रूव भी किए थे। तो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय। और ऐसा का ये सॉन्ग मेरा प्लेलिस्ट में जा रहा है, तो फिर रेयरली हम सोचे थे एस्पा का सॉन्ग जाएगा, पट गया, तो थैंक यू फॉर गाइस रिएक्टिंग, हम थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, तुम लोग ही रिएक्ट कर दो हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे दांत में पेन है, तो इसलिए फुल्ली बोल भी नहीं पा रहे मुंह खोल के, तो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय टाटा सी यू सायनारा गाइस।